Welcome friends to my channel. Before going to start our video, please subscribe my channel, hit the bell icon and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you. Bishem Yehoshua HaMashiach Shalom Aleichem. Khudaon Yesu Masih ke naam mein aap sab ki salamti ho. Aayye mere saath Kalam Aqdas mein se naye ahdname ko kholiye. Yohanna Rasool ki marfat Injil Yehoshua uska 20वां bab uski 11 se 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मरकुम है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक कर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तो क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अबरानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। ऐ खुदा, फरमा तेरे खादिम और तेरे लोग सुनते हैं, हम तेरे हजूर हाजिर हैं, बता हम तेरी मर्जी को पूरे तौर पर अपनी जिंदगियों में कैसे पूरा करें। आज इस सुबह तो अपने लोगों के साथ कलाम कर। मैं तेरा दयानतदार खादम और सामने बैठे हुए लोग अच्छी जमीन साबित हो सके, तेरे पाक रूह की तहरीक और तेरा फ़ज़ल अपने लिए और इस सारी मसीही जमात के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हज़रत ग्रामी, आज के दिन से पहले जब हम गुज़िश्ता दिनों में मसीह के दुखों और मसलूबियत को याद कर रहे थे तो हम जानते थे कि इसकी मंजिल यीशु मसीह की क़यामत है। क़यामत से मुराद उनका मुर्दों में से जी उठना है, क्योंकि ये सब तारीख में हो चुका है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले यीशु जब इस दुनिया में मौजूद थे और रोज बरोज अपनी मसलूबियत की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके साथी और उनके पैरोकार उनके इस मकसद से बिल्कुल बेखबर और नाशना थे, बल्कि वो तो यहोशुआ को यहूदियों के मसीहा और बादशाह के तौर पर देख रहे थे। लेकिन फसा के बाद अचानक से माहौल व हालात करवट बदलते हैं और हमारे मसीहा के दुखों की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। मसीहा के शागिर्द व पैरोकार डर कर छुप रहे और उन्हीं हालात में मसीहा की आखिरी घड़ियों का आगाज हो जाता है, जिनका अख्ताम यहोशुआ ये कहकर करते हैं कि तमाम हुआ। इन दो लफ्जों से मुराद ये थी कि जो खुदा का काम, जो खुदा का मंसूबा यहोशुआ हमशाह के स्पुर्द किया गया था, यानी यीशु मसीह के स्पुर्द किया गया था, वो तकमील को पहुंच गया है। खुदावन के हाकाम पर, उसी की अता करदा शरीयत पर कामिल तौर पर अमल आज पूरा हो चुका है, हो गया था। आज कैदी रहा हो गए हैं, आज कुर्बानियां तमाम हो गई हैं, आज तमाम किस्म के गुनाहगारों की बख्शिश हो गई है। यही मफाहीम ये दो लफ्जों के अंदर पोशीदा है। जब यहोशुआ यानी कि यीशु मसीह का जिस्मानी दौर खत्म हुआ तो उनके शागिर्दों और पैरोकारों को एक बहुत बड़ी ठेस लगी। वो ईमानी तौर पर बिल्कुल मुर्दा से हो गए थे, लेकिन तकरीबन
3.5 साल की रफाकत के पेश नजर वो अपने आका से अकीदत जरूर रखते थे और इसीलिए वो उसकी लाश के लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि शागिर्दों में और उस इलाके में ये बात भी कहीं चय मगोइयों में शामिल थी कि यस्सु ने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन इस बात पर किसी को यकीन ना था, क्योंकि तारीख में किसी नबी के बारे में ऐसे शवाहिद मौजूद ही नहीं थे। लेकिन यहूदी फकीहों और फरीसियों को यह डर था कि उसके शागिर्द कहीं लाश को चुरा के ना ले जाएं, और इसी से मिलता जुलता डर शागिर्दों के अंदर भी मौजूद था कि कहीं रूमी सरकार यहोशुआ की यानी यीशु मसीह की लाश को उन्हें देखने भी ना दे। और वैसे भी यहोशुआ की कब्र को एक बहुत बड़े पत्थर के साथ बंद कर दिया गया था। इस पत्थर को हलाना और कब्र से हटाना उन औरतों के बस की बात तो नहीं थी जो हफ्ते के पहले दिन मसीहा की लाश पर मसाले लगाने की आई थी। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि यहोशुआ के अपने शागिर्द और पैरोकारों को ये बिल्कुल खबर ना थी और ना इस बात पर यकीन था कि यहोशुआ ने फरमाया था कि वो सब जो कुछ उसने फरमाया था वो सब हूबहू पूरा भी होगा। असल में शागिर्द या उनके पैरोकार यानी कि यीशु मसीह के पैरोकार फिक्र और मायूसी की हालत में ये सारी बातें भूल ही चुके थे, क्योंकि उनके यहूदी ईमान को ठेस लगी थी, उनकी उम्मीदें चिकना चूर हो चुकी थी। इसके लिए यहोशुआ के तीसरे दिन जी उठने वाली बात को वो कैसे याद रखते। लेकिन हफ्ते के पहले दिन पू फटने से पहले भी पहले यानी पू फटने से बहुत पहले यीशु मसीह जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक वो अपने वादों में सच्चे और बरहक हैं। उनके जी उठने की बात जब फैली तो शागिर्दों में बेयकीनी और हैरानगी की कैफियत पैदा हो गई, लेकिन जल्द ही ये हैरानगी और बेयकीनी खुशी और इत्मीनान में बदल गई। जो बातें शागिर्दों को यहोशुआ को लेकर समझ नहीं आ रही थी वो अब मसीहा ने उन पर जाहिर होकर उन्हें समझा दी। यानी जब वो मसीहा जिंदा हुआ तो उन्हें वो सारी बातें उसने उन दिनों में जब वो जिंदा होकर उनके साथ रहा तो वो उनको समझा दी। हाजरीन ग्रामी, ये बेयकीनी और मसीह की जिंदा होने की अंजील में रुकावट डालने की साजिशें इब्दाई मसीही दौर में ही शुरू हो चुकी थी। इसीलिए मुकद्दस पौलुस पहला ग्रंथियों 15 बाब में उसके 12-22 में आयत में लिखते हैं कि बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं तो मुर्दों की क्यामत नहीं है ही नहीं। आज तकरीबन 2000 साल बाद मसीह के सऊद के तकरीबन 2000 साल बाद हमारे माशरे में चैमोगोइयां नहीं बल्कि वावेला लोग डालते हैं, कौमे वावेला डालती हैं, गैर कौमे वावेला डालती हैं कि यीशु मसीह जी ही नहीं उठे। ये तो महज यहूदियों की आंखों का धोखा था कि उन्होंने यीशु को मसलूब किया। कुछ कहते हैं कि मसलूब हुए ही नहीं और कुछ ये भी कहते हैं कि मसलूब हुए लेकिन सलीब पर मरे नहीं बल्कि बेहोश हुए और बाद में 120 साल तक जीते रहे और कश्मीर में आए और वहां फोत हुए। ऐसी और भी कहानियां जोर शोर से अवामुलनास को बताई और समझाई जाती है। अज़ीज़ान-ए-ग्रामी, ये वावेला कोई नया नहीं, इसी किस्म का शोर फकीहों और फरीसियों ने मचा रखा था और इसी किस्म की बेयकीनी कैफियत रूमियों की भी थी। लेकिन मसीहा की मोहर लगी कब्र में से मसीहा को जिंदा होने से ना तो फकीही फरीसी रोक सके और ना ही रूमी पहरेदारी। लेकिन तलावत करदा हवाले के मुताबिक हम आज चंद एक बातों पर गौर करें। क्या यीशु वाकया ही जिंदा है? तारीखी तौर पर कोई सबूत मौजूद है? क्या यीशु के जिंदा होने के बारे में बाइबल के अलावा भी कहीं सबूत मौजूद हैं? क्या
यहोशुआ या यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद के ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं? क्या आज भी मसीहा की खाली कब्र मौजूद है? यहोशुआ के जिंदा होने से उनके पैरोकारों को क्या फायदा हुआ, ये भी हम देखेंगे। हाज़रीन ग्रामी, आज बाइबल के नए अहद नामे में एक नहीं कई हवाले मौजूद हैं, जिनमें यहोशुआ ने खुद की जुबान से अपने मसाइब, मसलूबियत और जिंदा होने के बारे पेशगोइयां कर दी थी। अजीजो, ये एक और इम्तियाजी निशान और मौजजाती फितरत सिर्फ हमारे मसीहा ही में मौजूद थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी मसलूबियत और जिंदा होने की बाबत पेशगोइयां कर दी थी। और चारों अनाजील जो मुख्तलिफ अफराद ने लिखी, इन बातों की गवाह है। लुका 9 बाब उसकी 22वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन वो जी उठे। मत्ती 16 बाब की 21वीं आयत में मौजूद है कि उस वक़्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इसके अलावा मत्ती 17 बाब उसकी 22वीं आयत, 20वां बाब 17 आयत, मरकस 8वां बाब 31 आयत, तो उसके बाद 9वां बाब 31 आयत, 10वां बाब 33वीं आयत, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब उसकी 31 आयत और फिर 24वां बाब उसकी 7वीं आयत वगैरह वगैरह बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। ये सब हवाले पूरे तब होते हैं जब सबसे पहले फरिश्ते ने ये खुशखबरी सुनाई कि यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जी हाँ हाजरीन ग्रामी, यीशु मसीह की ये खबर भी मसीह खुदावन की तरह आसमानों से आई थी। मसीह खुदावन भी तो आसमानों से आए थे ना, वो पैदाइश की खबर भी उनकी आसमानों से आई थी और फिर उनके जी उठने की खबर भी आसमानों से फरिश्ते ही लेकर आए। कैसा बड़ा इम्तियाज है। आइए इस हवाले को देखते हैं, मेरे साथ खोलिए मत्ती 28वां बाब उसका मत्ती 28वां बाब उसकी 5वीं आयत से 6 आयत में हम पढ़ेंगे, 5वीं आयत से 6 आयत में पढ़ेंगे। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। और वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये फरिश्ते ने सबसे पहले खबर दी, आसमानों से ये खबर आई कि वो जी उठा है। बेशक अजीजो, यहोशुआ हमशियाह, हमारा यीशु मसीह जिंदा है, वो फिल हकीकत जिंदा है। क्रिस्तोस अनिस्ते, अलितोस अनिस्ते। ये बात न सिर्फ बाइबल मुकद्दस बल्कि दीगर इब्राहिमी मज़ाहिब की कुतुब भी इस इम्तियाजी निशान और इस बात को और इस मौजज़ादी फितरत की वो खुद भी गवाह है। यहूदियों की तनख में मौजूद है कि पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में गश्त नुमा हूं और लोगों में हकीर, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजे का उड़ाते हैं, वो मुंह चराते हैं और सर हला हला कर कहते हैं कि अपने को खुदावंद किस पर कर दे, वही है, वही उसे छुड़ाएगा, वही उसे छुड़ाए, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। जबूर 22वां जबूर 6 और 7, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमी में अंगश्त नुमा हूं और लोगों में हकीर, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजहका उड़ाते हैं,
वो मुंह चुराते हैं, वो सर हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए, जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। इसके अलावा हज़रत ग्रामी इस जबूर को मसीही जबूर भी कहा जाता है, इसी 22वें जबूर। इसको पूरा पढ़ें तो आपको इसमें मसीहा के मसाइब और मसलूबियत नजर आएगी। नीज आप यसाया 53वां बाब पढ़ें, पूरा 53वां बाब पढ़ें, 52वां बाब पढ़ें, और आपको मसीह की मसलूबियत, मसीह के मसाइब आपको नजर आएंगे। इसी तरह कुरान हकीम में सूरत मरियम में मौजूद है कि मुबारक हूँ मैं जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा होऊंगा। सूरत मरियम उसके 33वीं आयत में आपको ये बात मिलेगी। इसी तरह तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो यहूदी मौरख यूसेफियस ने तकरीबन 60 से 90 बाद अज़ मसीह में यहूदियों के बारे लिखा या वो लिखते हैं कि मसीह के दौर तक वो उन्होंने यहूदियों की तारीख लिखी और मसीहा के जिंदा होने के बारे में भी वो अपनी उस तारीखी किताब में लिखते हैं। फिर रूमियों की तारीख में भी तारीख भी उठा कर देख लीजिए, मसीह खुदावंद के बारे बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी मसीह की हकीकी सबूत ही नहीं मिलते, तारीखी सबूत ही नहीं मिलते, अजीब बात है। इसी तरह कलाम अक़दस से मालूम होता है कि यसु मसीह जब नौ उम्र थे तो अपने खानदान के साथ मिस्र में पनाह गुज़ीन थे, तो ये बात उनको मिस्रियों को आज तक याद है। फिर तारीख गवाह है कि 3री सदी तक मसीहत हिंदुस्तान तक फैल चुकी थी। ये कोई तलवार या जोर जबरदस्ती से नहीं फैली थी, बल्कि मसीह की जिंदगी बख्श तालीमात और उनकी जिंदा होने की खुशबरी के साथ फैलती चली गई। आज हम जो अनाजील पढ़ते हैं उनमें से 2 अनाजील ऐसी हैं जो यस्सु के बराह रास्त शागिर्दों ने लिखी, और 2 ऐसे हैं जो यस्सु के बराह रास्त शागिर्द ही नहीं थे, वो बल्कि पहले मसीहियों में से थे, यानी मरकस की अंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई यस्सु की अंजील, और फिर लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यस्सु की अंजील। और उन्होंने ये तहरीर को कलमबंद किया दोनों जानब और कलीसियाओं को रवाना किया। इस तरह ये भी शवाहिद तारीखी तौर पर मौजूद है। फिर उस दौर के सरदार काहिन का इफा के मकबरे से भी सबूत मिलते हैं कि वो वाकई ही मसीहा के दौर में मौजूद था। इसी तरह तारीखी तौर पर एक रूमी तारीख दान टेसिटस ने पिलातुस के बारे में भी शवाहिद दिए हैं। इसी तरह आरेनियस जो 132 बाद अज़ मसीह में मौजूद थे वो भी इन चारों खुशखबरियों पर मोहर लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी अजीब बातें हैं। तारीखी तौर पर तो बहुत ज्यादा शवाहिद मौजूद है, जियोग्राफिकली और बहुत से और तारीख दानों, फिर और से पहली सदी, 2री सदी, 3री सदी, 4री सदी के मसीहियों ने बहुत सारे शवाहिद दिए कि मसीहा की खबर खाली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर बात करें कि यस्सु को जिंदा होने के बाद किसी ने देखा भी है कि नहीं, तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतों ने देखा, फिर मुकद्दस पत्रस, फिर बाकी तमाम शागिर्दों, और फिर अमाउस पर माउस के रास्ते पर, माउस एक गांव था, उसके रास्ते पर दो शागिर्दों ने यीशु को देखा और उनके साथ यीशु मसीह ने बातें भी की। फिर तकरीबन यीशु मसीह अब जिंदा होने के बाद तकरीबन 500 से जायद अफराद के साथ वो यरूशलेम और गलील में रहा, खाया पिया, उनके साथ बातें की, तालीम दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शागिर्दों ने फौरन से ही उनको कबूल कर लिया था, उनकी हयात को, उनके जिंदा होने को कबूल कर लिया था? जी नहीं, बल्कि लूका 24:36
24 बाब उसके 36 से 42वीं आयत में रकम है कि वो डर गए क्योंकि वो मसीहा को भूल समझे थे। फिर यहोशुआ ने उनके साथ मछली खाई तो फिर उनको उन पर यकीन हुआ। फिर एक और शागिर्द तुमा रसूल ने तो बकायदा शक भी जाहिर कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं खुद अपनी उंगलियां उनके जख्मों में नहीं डालूंगा और हाथ के जख्मों में नहीं डालूंगा, सुराखों में नहीं डालूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने कहा उसे आओ चेक करो मुझे। फिर मत्ती 28वें बाब में 11 से 15 15वीं आयत में मौजूद है कि उन सिपाहियों को जो कब्र पर पहरे पर मौजूद थे उनको यहूदी रहनुमाओं ने रिश्वत दी कि वो झूठ बोल दें कि यहोशुआ की लाश उसके शागिर्द चुरा ले गए। मसीहा वाकई ही में जिंदा हुए और मसीहा की कब्र जब तीसरे दिन खाली हुई तो वो आज तक खाली ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज अल्लाह। अजीजो, मसीहा के जिंदा होने से ईमानदार अब मसीह के जरिए से खुदा के पास रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुकद्दस पत्रस अपने पहले खत में उसके तीसरे बाब उसकी 18वीं आयत में रकम करते हैं, फरमाते हैं कि इसलिए कि मसीह ने भी यानी रासबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। फिर कदस पलूस रोमियो 14:9 में कहते हैं कि क्योंकि मसीह इसलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। दुनिया की तारीख में मजहबी तौर पर किसी मजहब में ये इम्तियाजी निशान किसी के हक में नहीं रकम हुआ मास्वाए मसीहत के। ये इम्तियाज सिर्फ मसीही मजहब के पास है कि हमारा आका और खुदावन जिंदा है। हालेलुया। अगर मसीहत में से मसीहा के जिंदा होने को निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मसीहा का आना ही इसलिए हुआ कि वो गुनाहगारों को गुनाहगारों का फिदिया दे और उनका बाप यानी खुदावन से मिलाप करवाए। इसलिए वो माफ करने, हमारी दुआएं सुनने और उनका जवाब देने के लिए आसमान पर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, आज जब हम अपने आप को गुनाहगार समझकर मसीह के पास आते हैं और उसकी मसलूबियत को मानते हैं तो याद रखिए अजीजो, उसी वक्त हम पर उसका फर्ज हो जाता है और हम माफी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, उसके लहू बहाने से हमारा कफारा हो गया, क्योंकि वो ही हमारे लिए हमारी जगह कुर्बान हुआ, क्योंकि लिखा है कि किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और फिर मसीह के जिंदा होने की कुदरत से अब हम भी उसके साथ जिंदा होंगे और हमेशा उसके साथ अबदी मुकामों में रहेंगे। लिहाजा आज अगर कोई बेईमान इस पैगाम को, इस इंजील को सुन रहा है तो उसको मैं नहीं बल्कि कलाम में मुकद्दस अमाल की किताब 16 बाब की 31वीं आयत के मुताबिक दावत देता है, खुद ही कलाम में मुकद्दस दावत देता है कि खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यही ईद क़यामत मसीह का ला तब्दील मानी व मकसद है और यही इसका अब तक पैगाम है। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ मांगे। खुदावन कदूस में पान जिंदा खुदा, हम तेरे हजूर इस वक्त इस ईद में शामिल है, तेरे जी उठने की ईद में शामिल है। ऐ खुदावन, इस वक्त जितने भी तेरे लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, इस बातों को, इन जिंदगी बख्श तेरे कलाम की बातों को सुन रहे हैं, तेरी खुशखबरी को सुन रहे हैं, तेरे जी उठने की खुशखबरी को सुन रहे हैं, ऐ खुदा उन सबको बरकत दे और अता कर, हिकमत अनायत कर, दानाई अनायत कर के तेरी मसलूबियत को, तेरे जी उठने की हिकमत को पहचाने
और ए खुदावंद तेरी मसलूबियत से फ़ायदा उठाते हुए अपने गुनाहों के करार करें और तेरी मुआफ़ी में जो तूने ए खुदावंद सलीब पर खून बहा कर उनके लिए जारी की ए खुदावंद उसको कबूल कर लें, उसको हासिल कर लें और तेरे बेटे और बेटियां बन जाए। खुदावंद तू उनकी जिंदगियों से तमाम गमों को तमाम परेशानियों को नीस्त कर दे, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। खुदावंद आज जितने तुझे कबूल करते हैं सबको अपने फर्ज़ में ले ले, अपने पाखरू की तहरीक है खुदावंद उनके अंदर डाल, ताकि वो तेरे कलाम के मुताबिक चलें और तेरे तुझसे बरकतें पाने वाले बने, अपने घरानों में तेरी बरकतों को शेयर करें और ए खुदा उनके घराने उनके वसीला से बरकत पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सलामत रहें।